हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिल्पा ऑफिशियल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने खुद के स्टिच किए हुए ब्लाउज, जो मैंने शादी के पहले स्टिच किया हुआ था। उस टाइम पे मुझे ब्लाउज सिलने में बहुत मजा आता था, ब्लाउज मुझे सीखना नहीं था। वैसे मेरी कजिन बुआ थी, ब्लाउज सिलने आती थी। तो उस टाइम पे गर्मियों की छुट्टी थी, तो फिर ये हुआ कि घर में बैठ के क्या करेगी, 2 महीने की छुट्टी है तो चल ब्लाउज सीख लेते हैं। तो मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था ब्लाउज सिलने का। तो फिर मम्मी बोली कि नहीं सीख ले, क्या करेगी, वैसे भी घर में बैठ के 2 महीने छुट्टी है स्कूल के टाइम पे। तभी मैंने ये ब्लाउज सीखा था ऐसे ही। तो बस मैं जाती थी टाइम पास के लिए, बट फिर धीरे धीरे मेरा उसमें इंटरेस्ट आ गया, तो मैं से सिलने लगी। तो फिर मेरा हाथ भी अच्छा खासा बैठ गया था सिलाई में, तो मैं ब्लाउज सिलना स्टार्ट कर दी थी। और मैं ज्यादातर ये ब्लाउज मैंने अपनी बुआ के सिले हैं और बुआ की लड़कियों के सिले हैं। बुआ की 2 बेटियां, दोनों के ब्लाउज मैंने सिले थे और बुआ के भी सिले थे। तो उस टाइम से बहुत मजा आने लगा ब्लाउज सिलने में। तो फिर मैं अलग अलग डिजाइन ट्राई करती थी, कुछ ना कुछ अलग सीखना, हाथों में डिजाइन करना, बैक पे डिजाइन करना, तो ऐसे सीखने लगी थी मैं। और उसके बाद मैं ड्रेस भी सीखी थी, बट ड्रेस इतना ज्यादा सीखी नहीं थी, थोड़ा बहुत सीखी थी। सिंपल मैं ऐसा पटियाला ड्रेस सी लेती थी, तो चूड़ीदार भी सी ली हूँ मैं, बट सलवार सूट मुझे इतना नहीं सिलने आता है। ज्यादा करके मैंने ब्लाउज ही सिला है। और अब ज्यादा बातें नहीं करती, मैं चलती हूँ आपको शादी के बारे जो भी स्टिच की हुए ब्लाउज है मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ फर्स्ट अपना ब्लाउज, ये देखिए, ये है ऑरेंज कलर का ब्लाउज, और इसकी साड़ी भी पूरी ऑरेंज थी और ऐसे ही रेड और गोल्डन कलर का बॉर्डर था उसपे, और बहुत सुंदर लगती थी साड़ी पहनने में मुझे। तो खराब हो गई, फिर मैंने साड़ी उसको हटा दिया और उसका ब्लाउज कट में रखी हूँ। तो ये देखिए फर्स्ट ब्लाउज मेरा, और ये ब्लाउज है डबल कटोरी का। मैं डबल कटोरी का ब्लाउज ज्यादा पहनती हूँ, और इसका बैक साइड ऐसे है, ये देखिए। और ये डिजाइन भी मैंने, ये मेरे खुद के सिले, जितने भी आपको ब्लाउज दिखाऊंगी ना, मेरे खुद के स्टिच किए हुए ब्लाउज है और सारे डिजाइन मैंने ही सिले हैं। तो ये देखिए, और इसके मैंने, और इसकी बाहें पे भी मैंने डिजाइन किया है, ये देखिए, इस तरह की मैंने बाहें पे भी डिजाइन किया है। जितने भी मेरे लंबे ब्लाउज है ना, सारे बाहें पे ना मैंने डिजाइन, कुछ ना कुछ अलग अलग डिजाइन बनाया है। आप देखेंगे तो समझ जाएंगे अपने आप ही। ये करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है मेरा फर्स्ट ब्लाउज, इसका ये डिजाइन मुझे बहुत अच्छा लगा, वी गला है और इसपे मैंने ऐसे डोरी वाला काम किया था। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने सेकंड ब्लाउज, ये देखिए, और इसका बैक का डिजाइन मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। इसमें डिजाइन बना हुआ था, सिर्फ मुझे कट करके सिलना था, तो इसमें कुछ मुझे अलग से डिजाइन डालना नहीं पड़ा था, डिजाइन पहले से था। और इसमें मैंने कब्ज भी लगाए थे, मैं ट्राई करी थी सीखना, बट मुझे कब्ज वाले ब्लाउज सिलने नहीं आती अच्छे से। मैंने फर्स्ट टाइम यही ट्राई किया था, बट इतना अच्छे से नहीं बना, उसके बाद मैंने ट्राई भी नहीं किया है। और ये साड़ी मुझे कम जमती है क्योंकि बहुत ज्यादा हेवी और झगर मगर लगती है मुझे, तो मैं ये पहनती नहीं। मैंने सिर्फ एक बार पहना है और पहन के वैसे रख दी हूँ, वैसे की वैसे पड़ी है। मुझे आपको दिखाना था मेरे खुद के स्टिच किए हुए ब्लाउज, तो मैंने आज इसको भी निकाला है, बोले ये भी दिखा देती हूँ आपको मैं। ये मेरा थर्ड ब्लाउज, और ये ब्लाउज आपने देखा भी होगा, मैंने सावन सोमवार में पहना था। और इसका मैं बैक साइड का डिजाइन दिखाती हूँ आपको। इसमें जो लटकन लगे थे ना ऊपर नीचे के, दोनों बाबू ने खींच के निकाल दिया था, मैंने सावन सोमवार में पहना था, दोनों खींच के निकाल दिया तो खराब हो गया, तो मैं दूसरा लाऊंगी तो लगा दूंगी इसमें। ये देखिए, पहनने भी बहुत अच्छा लुक आता है इसका। तो ज्यादा करके मैं बैकलेस ब्लाउज ही सिलती हूँ और मुझे अच्छे भी लगते हैं। और इस पे, और इसकी बाहें पे भी मैंने डिजाइन किया हुआ है, ये देखिए। सेम मैंने इसमें भी वही डिजाइन किया जो मेरे ऑरेंज कलर के ब्लाउज में था, वही इसमें भी डिजाइन मैंने किया है, क्योंकि मुझे इस टाइप के डिजाइन बहुत अच्छे लगते हैं। उस टाइम पे ना बहुत ट्रेंड में था ऐसे, मतलब बाजू पे कुछ ना कुछ डिजाइन बना हुआ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो फिर मैंने ट्राई किया, तो मुझे ये वाली डिजाइन बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। 5-6 ब्लाउज में तो ऐसे ही डिजाइन होगा मेरे ख्याल से। इसकी लेस बहुत चौड़े चौड़े होते हैं ना, तो फिर इसलिए मैं इसको लंबी बाहें बनाती हूँ, ताकि इसमें डिजाइन भी हो जाते हैं और ये लेस भी पूरा प्रॉपर लग जाता है, और इसका लुक भी अच्छा आता है फिर देखने में। अगर लंबी बाहें हो और इसमें डिजाइन करके ये लेस लगाता तो बहुत अच्छा लुक आता है। और ये देखिए, ये मेरा फोर्थ ब्लाउज है, और इसका बैक का डिजाइन मैं आपको दिखाती हूँ। पीछे की डोरी और आगे का हुक खोल दूंगी तो ये 2 पार्ट में ब्लाउज बन जाएगा। ये भी मैंने कुछ अलग ट्राई किया था कि कैसा लगता है देखूं। तो ये देखिए, इसकी बैक साइड का डिजाइन है, और इसकी भी बाहीं लंबी है, कुछ अलग डिजाइन है, ये देखिए। काजू कतली की डिजाइन कैसी होती है, मैंने वैसे डिजाइन इसमें डाला है। और मैंने वो काजू कतली का डिजाइन ही मैंने देखा था, तो मेरे दिमाग में आया था कि मैं ये ट्राई करती हूँ। और ये देखिए, हालांकि पहले मैं ब्लाउज सिलती थी ऐसे बस टाइम पास के लिए सिलती थी, मेरा ऐसा नहीं था कि मुझे सीखना है, ब्लाउज सिलना ही है, ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था मेरा, बस ऐसा सीखने के लिए सीख लिया था। जब मैं सिलाई सीखने आती थी तो मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था सिलाई में, बट कैसे आ गया ना मुझे भी समझ में नहीं आया। फिर धीरे धीरे मुझे उसमें इंटरेस्ट आने लगा। शादी के बाद मैंने ब्लाउज सिला ही नहीं है, मैं बाहर से अब सिलवाती हूँ,
तो मुझे बहुत कम जमते बाहर की ब्लाउज, क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें कमियां निकल जाती है। आपको तो पता ही होगा, जो अपने ब्लाउज खुद के सिलते हैं ना, तो उनको दूसरों के ब्लाउज में कुछ ना कुछ कमियां मिल जाती हैं, और इतना अच्छा लगता नहीं, क्योंकि मुझे खुद का ही ब्लाउज सिला हुआ ज्यादा अच्छा लगता है, बाहर से इतना जमता नहीं है। और मुझे प्रोफेशनल जो टेलर्स होते हैं ना, उनकी ब्लाउज मुझे अच्छे लगते हैं, बाकी किसी को जमते नहीं है। और अभी भी मैं ब्लाउज सिलवाती हूँ तो अपने मायके में सिलवाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे एक टेलर अंकल है, वो ब्लाउज बहुत अच्छे, ब्लाउज और ड्रेस दोनों बहुत अच्छे सिलते हैं, और फिटिंग भी उनकी बहुत अच्छी आती है। डिजाइन जो भी आप डिजाइन बोल दो ना, वो परफेक्ट सिल के देते, जो मैं सब बता दूं उनको तो वो सिल देते। और जब भी मैं ड्रेस या ब्लाउज को सिलवाती हूँ ना उनके पास, तो वो बोलते हैं, हाँ गई शिल्पा, आप तो दिमाग खराब कर देगी मेरा, क्योंकि मैं उनको बहुत परेशान करती हूँ कि इसमें ऐसा डिजाइन करो, इसमें ऐसा डिजाइन करो, बाहीं में ऐसे करो, और बैक साइड ये डिजाइन रखो, तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान भी होते हैं। बट जैसा बोलती हूँ ना वैसा वो सिल के देते हैं प्रॉपर मुझे, अच्छे ब्लाउज और ड्रेस मेरे वही सिलते हैं। तो मैं अपने मायके आती हूँ तो वहीं सिलवा के लेके आती हूँ अब मैं, क्योंकि सिलाई मशीन मेरे पास है नहीं, तो मुझे वहीं पे सिलवाना पड़ता है। यहाँ पे तो मैं सिलवाती ही नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ के एक भी टेलर ऐसे नहीं होंगे जो ढंग के ब्लाउज सिले, क्योंकि मैं एक दो ट्राई करवाया था बट एक भी अच्छे से सिल के देती नहीं, फिर मैं यहाँ पे सिलवाना ही बंद कर दी हूँ। जो भी सिलवाने जाते हैं ब्लाउज मेरे ना, मैं अपनी मायके जाती हूँ तो लेके जाती हूँ, सिलवा के लेके चली आती हूँ। शादी के बाद भी मेरे घर पे मशीन था, तो जब भी जाती थी मैं अपने घर पे ना, तो अपने सारे ब्लाउज लेके जाती थी, तो वहां से आने के टाइम भी अपनी मशीन से मैं ब्लाउज सिल के आती थी, अपने भी और मेरी मम्मी के भी, कुछ जो ब्लाउज मम्मी के पास रहने के तो वो भी मैं सिल के आती थी। तो फिर वो मशीन मेरे खराब हो गया धीरे धीरे, तो फिर उसको हटा दिए वहां से, तो अब मेरा घर पे भी सिलना नहीं बन रहा, तो मैं अपने ब्लाउज बाहर सिलवाती हूँ, जहाँ मैं अपना ड्रेस सिलवाई थी, आपको मैंने दिखाया होगा अपनी पिछले वीडियो में, जहाँ मैंने अपना ड्रेस सिलवाया था, अब मैं अपनी ब्लाउज भी वहीं सिलवाती हूँ। यहाँ पे तो बिल्कुल ही सिलवाती यार, क्योंकि मुझे इतना पता भी नहीं है, और यहाँ के टेलर ढंग से सिलते नहीं है, तो मुझे नहीं जमता यहाँ के ब्लाउज वगैरह। और फिर ब्लाउज मैं आपको दिखाती हूँ, ये ब्लैक कलर का, ये आपने देखा होगा, मैंने पहना है एक दो बार, मैं शनिवार को पूजा करने आती थी तो मैंने पहना था, तो आपने देखा होगा इसको, आपने बैक साइड की डिजाइन नहीं देखी होगी, ये देखिए डिजाइन किया हुआ है, ये देखिए इसमें मैंने बटन्स लगाए हैं। मेरे ब्लैक कलर की साड़ी में ना रेड कलर का बॉर्डर है, तो मैंने उसको ही देखते हुए ना ऐसा मैंने डिजाइन किया था अपने ब्लाउज में, रेड कलर का पाइपिंग किया हुआ है और ऐसे बटन लगाया है मैंने, तो ये है मेरी फिफ्थ ब्लाउज। अब मैं आपको लास्ट ब्लाउज दिखाती हूँ अपना, और अगेन ये भी रेड कलर की ब्लाउज है, ये देखिए इस ब्लाउज को, साड़ी को मैंने अभी तक ट्राई भी नहीं किया है, पहने की तो बात ही नहीं है, मैंने ट्राई तक नहीं किया है इसको, वैसे सील के रखा है तब से वैसे ही रखा है, बट मैं अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट की हूँ ना, तो आपको दिखाऊंगी मैं पहन के कभी कभी ऐसे, तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा डिजाइन क्या कैसे है। तो इसका बैक साइड का डिजाइन मैं आपको दिखाती हूँ, सिंपल सा है, गोल गोल गला है, इसमें डोरी लगाया है मैंने, थर्माकोल को मैंने गोल्डन कपड़े में लगा के इसे स्टिच किया हुआ है, और बहुत सिंपल सी बट बहुत अच्छी लगती है ब्लाउज मुझे, हर ब्लाउज में ना मुझे अब यही ब्लाउज अच्छी लगती है ज्यादा करके सिंपल सी। पहले बड़ा शौक चढ़ता था मुझे कि ये डिजाइन करूँ या पैटर्न बनाऊ ब्लाउज का, बट अभी ऐसा होता है ना जब सिलवाना पड़ रहा है, तो ऐसा होता है कि बस सिंपल सा गोल गला सिलवा लेती हूँ, बाकी कुछ नहीं करवाती हूँ। और इसकी भाई मैंने छोटी सी ली है, लंबी भाई नहीं है। तो ये था मेरा सिक्स ब्लाउज, टोटल मैंने सिक्स ब्लाउज आपको दिखाए जो मैंने खुद के स्टिच किए हुए हैं। बहुत सारी साड़ियां और ब्लाउज जो थे जो मैंने खुद स्टिच किए थे, तो फिर मैंने वो जो ज्यादा पहनती नहीं थी साड़ियां, मैं तो उनकी मम्मी को सब दे दी थी, मैं कम से कम इनकी मम्मी को 8 से 10 साड़ियां मैंने दी है, वो भी उसकी ब्लाउज सब मैंने ही सिले हुए थे, तो मैं एक दो बार पहनती थी, मुझे जमता नहीं था, तो उनकी मम्मी को दे देती थी। एक ही कलर के मतलब 3 ब्लाउज हो गए मेरे पास। ये एक्चुअली क्या हुआ था, जब मैं शादी की साड़ियां अपनी ले रही थी, तो बस ऊपर ऊपर से देखने, मतलब बस ऐसे ऊपर ऊपर से देखती थी, मतलब उस टाइम पे क्या बहुत घाई होता था, उस टाइम पे बहुत वैसे शादी का माहौल था, भीड़ भड़क्कन था, तो ये हुआ कि जल्दी जल्दी सारी साड़ियां लेनी थी, उसमें बुआ थी, मम्मी थी, मैं थी, तो कुछ साड़ियां समझ में नहीं आई, ऊपर ऊपर साड़ियां हम लोग देख लेते थे, अंदर का ब्लाउज देखते नहीं थे कि हाँ कौन सा कलर है क्या कलर है, तो तीनों साड़ियों की ना रेड कलर की ब्लाउज निकल गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि सिल भी लेती हूँ, सेम कलर हो गया तो क्या हुआ, सबके बॉर्डर तो अलग अलग हुए ना, तो फिर मैंने सारे ब्लाउज सिल भी डाले थे। अगर ये बॉर्डर नहीं होती ना, तो कोई एक ही ब्लाउज सिलती मैं, तो तीनों पे काम हो जाता है मेरा, बट ये बॉर्डर थे साड़ी में ना अलग अलग, तो फिर मुझे तीनों ब्लाउज सिलने पड़े थे। तो ये सारी थी मेरी ब्लाउज कलेक्शन जो मैंने खुद स्टिच किए थे। अगर आपको मेरी ये ब्लाउज कलेक्शन अच्छे लगे होंगे, तो प्लीज लाइक कर देना और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कौन सी मेरी ब्लाउज के डिजाइन ज्यादा अच्छे हैं, तो कमेंट करके मुझे प्लीज जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरे लेटेस्ट ब्लाउज के डिजाइन देखने होंगे जो मैंने बाहर स्टिच करके सिलवाया है, तो मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं उसका सेकंड पार्ट भी बना दूंगी।